नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीपरी से। सीपरी यातायात पुलिस द्वारा ग्वालियर बाईपास के समीप चलाया गया अभियान, बिना हेलमेट वाले लोगों एवं ओवरलोड वाहनों पर की गई चलानी कार्रवाई, सुबेदार अरुण प्रताप सिंह यादव द्वारा की गई कार्रवाई। हम आपको बता दें कि सुबेदार द्वारा समझाए एवं चेतावनी भी दी गई और उन्होंने मैसेज दिया जिन लोगों में जागरूकता कम है ग्रामीण अंचल एरिया में, उन लोगों को समझाइश दी गई। वाहन से होने वाली दुर्घटना के बारे में समझाया गया और हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है यह भी बताया गया, क्योंकि वहां से निकलने वाले ज्यादातर लोग हाईवे पर जाते हैं और हाईवे पर वाहन की गति काफ़ी तेज होती है और दोपहिया वाहन जो है बिना हेलमेट के सुरक्षित नहीं है। सारी जानकारी सुबेदार अरुण प्रताप सिंह यादव द्वारा दी गई एवं लोगों को समझाया कर छोड़ा गया और वहीं पर जिन लोगों पर चालानी कार्रवाई होनी थी उन पर चालान भी किए गए। शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सर, आज जो आपके द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई है? वही जो कंटिन्यूएशन में है, हेलमेट की जो कार्रवाई की जा रही थी पहले भी, थोड़ी ज़्यादा सख्ती से की जाने लगी जी। तो वही कंटिन्यू चल रहा है, कोई अलग से कुछ स्पेशल कार्रवाई नहीं, हेलमेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हेलमेट की ही, जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे उनके खिलाफ कर रहे हैं। वैसे भी जो यहाँ से जाते हैं लोग मोस्टली हाईवे की तरफ जाते हैं और जहाँ पे हेलमेट की ज़्यादा ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उन पर जा सकते हैं। अभी तक कितने चालान हुए सर? अभी तक कैसे मतलब महीने के? अभी 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 आज के लाल जी के कर रहे हैं। अभी तो शाम तक देखते हैं कितने हो जाते हैं, तो हम तो जितने हो सकते एक सर मैसेज और देना चाहोगे आप? चालान का कोई ऐसा नियम नहीं होता कि हमें इतना ही करना है, जितने हो सकते उतना प्रयास करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने लोगों को हम समझाइश दे सके, जितने लोगों को चेतावनी दे सके, ये हमारा प्रयास है। एक आपके द्वारा मैसेज और देना चाहोगे सर? मैसेज यही है कि लोग समझते नहीं, इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझते कि भारत में प्रत्येक दिन तकरीबन 500 लोग हेलमेट के 500 लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में भारत में मृत्यु होती है और जिसमें भी सबसे ज़्यादा बाइक सवार की होती है, ग्रामीण अंचल साइड से बाइक सवारों की होती है, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियों की गति तेज होती है। ग्रामीण अंचल में जानकारी का अभाव है, थोड़ा जागरूकता का अभाव है, जिस वजह से वो लोग हेलमेट नहीं पहनते, गाड़ी पे तीन तीन ओवरलोडिंग करके चलते हैं। और बड़ी गाड़ियां तो भी सुरक्षित होती हैं, बाइक ज़्यादा सुरक्षित होती है, वहाँ से अगर आप गिरते हैं तो तेज रफ्तार में गिरने पे नुकसान की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है जी। तो इस वजह से ये तो इनके लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, पर अगर नहीं मान रहे तो हमारा काम है जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर खबर से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।